नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अपने यूट्यूब चैनल कनक ब्लॉग पर स्वागत करता हूं। और आप सब कैसे हैं? ऐसा है कि आप सभी अच्छे होंगे, आपके सारे परिंदे भी अच्छे होंगे। तो भाई आज ऑफिस से आने में थोड़ा सा लेट हो गया और जल्दी जल्दी मैं काम कर रहा हूं ताकि पानी वानी भर जाए जल्दी से। कबूतरों को भी खेलना है, मतलब सॉरी खोलना है भाई, और टाइम काफ़ी कम बचा है क्योंकि एक ही घंटे है और जैसा कि मौसम चेंज हो रहा है तो अंधेरा जल्दी से हो जाता है। तो फिर इसको ले चलते हैं धीरे धीरे। यहाँ पे रख देते हैं और इसको भी रख देते हैं। सारे भूखे हैं, देखिए सब गेट से चिपक रहे हैं और सब बहुत भूखे हैं, देखिए सब मेरा ही इंतज़ार कर रहे हैं। एक वहाँ पे बैठा है, दाना ले लेते हैं भाई। दाना हम रखते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा अंधेरा होगा क्योंकि कमरे में अंधेरा रहता है, इसलिए यहाँ पे अंधेरा आपको लग रहा होगा। तो दाना रख लिया, दाना बंद कर देते हैं, नहीं चूहे खा लेंगे सारे, और फटाफट काम करते हैं अपना। तो सबसे पहले हम इन लोग को देते हैं थोड़ा सा दाना क्योंकि इनके बहुत भूख लगी है। लो खाओ, लो खाओ तुम। और अब चलते हैं उन लोग को खोलते हैं क्योंकि उनको भी बहुत भूख लगी है। जल्दी से थोड़ा थोड़ा यहाँ रख देते हैं, नहीं तो ये लोग लड़ेंगे। एक अभी बैठ जाएंगे थोड़ी थोड़ी दूर पे तो आराम से खाना खा लेंगे, मतलब दाना खा लेंगे, नहीं तो ये लड़ाई करते हैं, बहुत लड़ाई करेंगे। तो अब खोलते हैं ताला, बंद करके रखते हैं क्योंकि हमारे घर के बच्चे बहुत शैतान हैं, खोल देते हैं मेरे सारे कबूतर इधर उधर हो जाते हैं। ये रो चिपकी भाई, और इसमें जो बच्चे हैं वो भी बहुत भूखे हैं तो आवाज़ आप सुन रहे होंगे। तो खोलते हैं, उसका सीन दिखाते हैं, चलो सब बाहर निकलो। तो भाई सब निकल आए हैं, मेरा एक कबूतर जो है नहीं दिख रहा है, जो मेरे घर का ही बच्चा है। तो ये तो बहुत लेट आ रहा है भाई, इसको क्या हो गया, ये बहुत लेट में निकल के आया, शायद ही अंडे पे बैठा होगा इसलिए लेट आ रहा है। वाह वाह भाई, कलदुमे के ढाबली में दो अंडे आ गए, वाह भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। और बच्चों को भी देख लेते हैं पहले, बच्चे मेरे कैसे हैं, मेरे नहीं मतलब मेरे, अंधेरा बहुत है। लाइट नहीं जली भाई तो हम उसका शौक नहीं करा पाएंगे। एनीवे हम आपको उसकी जो है दोबारा वीडियो बना के दिखा देंगे। और ब्रीडिंग बहुत बढ़िया चल रही है भाई, सब अंडे दे चुके हैं, लगभग सारे कबूतर मेरे अंडे दे चुके हैं। और दाना भी अगर आपके पास ज़्यादा कबूतर हैं तो उनको अलग अलग दे दीजिए। देखिए कितने आराम से खा रहे हैं, 5-6 का ग्रुप बन गया है और ये आराम से खा रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। वो वाला क्या कर रहा है भाई, तो इसको हम कर देते हैं अंदर, नहीं तो ये रह जाएगा भूखा। इसको खोलते हैं और अंदर करते हैं, आ जाओ चलो अंदर आओ। ठीक है, ये दाना खाएगा भाई, सब बढ़िया मस्ती से खा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और एक ने हरी वीट की है, ये वाली हरी वीट की है, तो ये अच्छे संकेत नहीं है कि आपके कबूतर को हरी वीट हो रही है, तो इसका जल्दी उपाय करना पड़ेगा, या तो हमारे लॉट में मिट्टी कम पड़ गई है या तो ये अपनी बीट खा रहे हैं। पहले देखते हैं मिट्टी उट्टी तो नहीं कम हो गई है भाई, ये मिट्टी जो थी मिट्टी सारी खत्म हो गई तो ये अपना वेट उठा के खा रहे होंगे, इसलिए से वो हरी लाइटिंग कर रहा है। अगर ये कमी नहीं पूरी की गई तो ये अपना बीट खाएंगे और इनका पोटा जाम हो जाएगा और ये धीरे धीरे बीमार हो जाएंगे।
तो भाई आप लोगों ने देख लिया, और आज जो मेरे पड़ोस के कबूतर थे उनके उड़ रहे हैं वो देखिए, शायद आपको दिख रहा होगा, चार कबूतर हैं, चारों उड़ रहे हैं। हाँ, तो ये चारों का ग्रुप बन के उड़ रहा भाई। देखिए भाई, ऐसे जो कबूतर एक साथ उड़ते हैं तो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं भाई, और मज़ा आ जाता है, दिल और दिमाग को कुछ अलग ही सुकून मिलता है। तो असल में एक्चुअली जो ये क्या है ना, इनकी इनका घर और मेरा घर बिल्कुल पास ही में है ना, तो किसकी छत पे उड़ रहे हैं ये पता नहीं चलता है, ऐसा तो लग रहा है मेरे छत पे उड़ रहे हैं, लेकिन मेरे कबूतर नहीं है, दूसरे के हैं, लेकिन जो भी हैं बढ़िया लग रहा है, देखने में अच्छा है, शौक बढ़िया है। तो भाई अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। वैसे तो हम आज आपको दिखाने वाले थे जो मेरे घर के छोटे बच्चे हैं, मतलब कबूतर के जो छोटे बच्चे निकले हैं उनका शौक कराने वाले थे, लेकिन जो है क्या है, कुछ दिक्कत है इसलिए नहीं दिखा पाए। फिलहाल मिट्टी की कमी को पूरा करना पड़ेगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो मिट्टी लाएंगे वो भी दिखा देंगे, और मिट्टी आपको कहाँ से लानी है ये भी हम बताएंगे। तो तब तक लिए बाय बाय।